चलिए तो जो अपना कल एक जो क्वेश्चन वो पेंडिंग था विल स्टार्ट अवे विद पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन उसका बहुत सारा चीजें हो चुका है थोड़ा सा पार्टी बस वो बाकी है तो एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूं देन आई शिल कंटिन्यू ओके टेन कार्स हैं हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट शायद एक महीने के लिए बनाया था फॉर द एंटायर कंपनी एंटायर कंपनी है टेन टैक्सी ठीक है कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी ये डेप्रिसिएशन के लिए काम में आएगा सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ हम लोगों ने कॉपी कर दिया सैलरी ऑफ स्टाफ कॉपी कर दिया रेंट ऑफ गैरेज कॉपी कर दिया ड्राइवर सैलरी पर मंथ ही दिया हुआ है लेकिन दिस इज पर टैक्सी तो इन टेन किया रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी टू वन सिक्स जीरो वो पर एन एम था तो डिवाइड बाई ट्वेल्व कर लिया पर मंथ मिल गया इंटू उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सीज कर लिया इंश्योरेंस प्रीमियम उसको हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट ही बोला था फोर परसेंट ऑफ द कॉस्ट पर एनम दिस इज कॉस्ट ऑफ वन टैक्सी तो अगर फोर परसेंट वो मारोगे दाल गिव यू इंश्योरेंस कॉस्ट पर एनम ऑफ वन टैक्सी डिवाइड बाई पर मंथ मिल गया इंटू टेन टैक्सीज कर दिया लाइफ ऑफ द टैक्सी वॉज गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स तो इसके लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन वॉज अ वेरिएबल बुल कॉस्ट दिस इज स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ टैक्सी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स हर मंथ चलता है ऑफ विच ट्वेंटी परसेंट रन एम टी मतलब विदाउट द कस्टमर ठीक है पेट्रोल कंजन इज नाइन किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ डीजल कॉस्टिंग रुपीज नाइन पर लीटर ठीक है ऑयल एंड अदर सन्डरी एक्सपेंसिज अमाउंट टू रुपीज थर्टी पर हंड्रेड किलोमीटर्स अभी वे स्टार्टिंग अभी विद्वायर्ड पार्ट कैल्कुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर ठीक है तो टैक्सी चलने का कॉस्ट कितना है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर मेरे को ओरली ही बोल देना येस्टे दिस वॉज कॉस्ट ऑफ ऑल द टेन टैक्सी फॉर अ पीरियड ऑफ वन मंथ दे वॉन्ट कॉस्ट दे वॉन्ट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर ठीक है मेरे को सर आप बोलो एक महीने के अंदर एक टैक्सी कितने किलोमीटर चलती है चार हजार फोर थाउजेंड ऐसा अपने पास टेन टैक्सीज है ना मेरे ख्याल से तो यहां पे आप लोग लिख के रखे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो रनिंग फोर थाउजेंड इंटू टेन दिस विल बी फोर्टी थाउजेंड दिस विल गिव यू कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रनिंग डेसिमल्स के अंदर आए तो टू डेसिमल्स तक राउंड ऑफ कर देना 172356 डिवाइडेड बाय 40,000। कितना कितना बेटा फोर पॉइंट थ्री वन ले लेता हूं यहां थ्री जीरो एट नाइन लिखोगे तो भी चली जाएगा लेकिन सम का ना दो पार्ट था ओके okay, दूसरे पार्ट पे चलते हैं इफ द हायरिंग चार्जेस इज रुपी सिक्स पॉइंट एट पर किलोमीटर फाइंड आउट द प्रॉफिट मिस्टर एस मे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना अगर ये जो टैक्सी वाले लोग हैं ठीक है जो कंपनी है कस्टमर से सिक्स पॉइंट एट रुपीज चार्ज करता है ठीक है तो फर्स्ट ईयर अंदर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं तो यहां पर एक टाइटल दे दो ये अलग से दिस स्टेटमेंट इज ऑल ओवर अभी इसके बाद अलग से एक स्टेटमेंट वो बना रहे हैं लिखो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर अच्छा अभी प्रॉफिट ऐसी कंपनीज़ के लिए कैसे कंप्यूट होगा सेल्स माइनस कॉस्ट मेरे को ना

देखो मेरे पास एक महीने का कॉस्ट है कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एक महीने के लिए बनाया था तो वन सेवेंटी टू थ्री फिफ्टी सिक्स इन टू ट्वेल्व कर लेता हूं टू जीरो सिक्स एट टू सेवन टू अच्छा अभी तुम लोग को एक ही काम है मेरे को मैसेज भेजना दाल भी बेटा मेरे को बोलो रेवेन्यू कितना आएगा एक साल के अंदर इन लोगों को रेवेन्यू कितना आएगा एक साल के अंदर विजित बराबर है बेटा साक्षी करेक्ट है महेश गलत है आगोश रॉन्ग है श्रीनिवासन करेक्ट है ध्रुव रॉन्ग है चिराग गलत है ऑब्वियसली दिस लाइन विल मैटर टू यू हेल लॉट मेरे को एक साल के लिए चाहिए मैं गलत है बेटा चलो सुनो देखो दे आर चार्जिंग बी चार्जिंग 6.8 एक मिनट मेरे को बोलो 6.8 विल बी चार्ज टू होम कस्टमर कस्टमर ना दे पे वेन एवर दे विल बी यूजिंग द टैक्सी सर्विस तो ऑब्वियस बात है वो लोग फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स के लिए नहीं पे करेगा आगे कुछ बोलो थर्टी टू थाउजेंड अगर सारी टैक्सी का बात करूं थर्टी टू हंड्रेड अगर एक टैक्सी का बात करूं तो दे तो यहां पर यू ऑल कैन राइट डाउन इन टू फोर्टी थाउजेंड इन टू एट्टी परसेंट एटी परसेंट कैसे आया अवेयर विद जो 6.8 है ये अपना टैक्सी का फेयर का रेट है कोई भी बंदा टैक्सी में बैठेगा उसको 6.8 पर किलोमीटर को देना है तो ऐसे बत्तीस हजार किलोमीटर ये आपको एक मंथ का डेटा देगा इंटू ट्वेल्व करना पड़ेगा 6.8 पॉइंट एट इंटू फोर्टी थाउजेंड इंटू एट्टी परसेंट इंटू ट्वेल्व टू सिक्स वन वन टू डबल जीरो सब ट्रैक कर ले बेटा और प्रॉफिट ले फोर फाइव फोर चलो सुनो तुम्हारा ये वाला जो काम है दिस इज ऑल टुगेदर डन ठीक है

बाई डिफॉल्ट दे चार्ज द कस्टमर हाउ हम लोगों ने कल लिखा था पैसेंजर पैसेंजर, पैसेंजर किलोमीटर ठीक है अभी अपने को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें काम में आनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये वाला जो चीज है ना जो हम लोगों ने कल लिखा था ये वाली चीजें दीज यू शुड बी नोइंग बाई डिफॉल्ट ठीक है तुमको सामने ही बोलने वाला है अगर होटल का क्वेश्चन है तो वो लोग तुमको बोलता है कैलकुलेट द चार्जेस तो अक्कल होनी चाहिए अपने को सर होटल के लिए चार्जेस बोले तो चार्जेस पर रूम डे हॉस्पिटल के लिए चार्जेस मतलब चार्जेस पर बेड डे या फिर फॉर अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कैरीज अ गुड सो दे फोर इट विल मीन इन दिस केस चार्जेस पर टन किलोमीटर फॉर अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कैरीज अ पैसेंजर्स इट विल बी समथिंग पर पैसेंजर किलोमीटर सो ऑन एंड सो सोफो ठीक है तो यू शुड बी नोइंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स अगर थिएटर है तो मैन शो तुमको ये वाली चीजें मालूम होनी चाहिए और बस कल तुमको दो इंडस्ट्रीज के लिए ट्राई टू रिमेंबर दिस एक तुम्हारा ये वाला इंडस्ट्रीज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसके ना फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है वो तुम लोग को स्ट्राइक हो ही जाएगा ठीक है सेमी वेरिएबल के ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ ना दिया हो तो सेमी वेरिएबल के अंदर डाल देना उसके बाद टायर्स उसके बाद स्पेयर ठीक है बस इतना इफ यूल विल रिमेंबर दीज थ्री आइटम्स मोर देन ना ठीक है अगर साम के ना कुछ स्पेशली अलग से वो दे दिया है तो अलग बात है सो लेट स्टार्ट अब यह अच्छा क्वेश्चन है अदर पर्टिकुलर पार्ट ठीक है पढ़ेंगे सर आप प्लीज क्वेश्चन टेन ये क्वेश्चन सोलह मार्क के लिए आ सकता है आ चुका है इन पास ठीक है मिस्टर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल डेली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे डिस्टेंस कवर्ड 150 फिफ्टी किलोमीटर वन वे नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ एट सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 90 परसेंट अच्छा मिस्टर एक्स ओन्स अ बस तो एक ही बस है अपने पास डेली टू चंडीगढ़ जाएगी वापस आएगी डिस्टेंस कवर्ड 150 फिफ्टी किलोमीटर्स है मतलब डेली टू चंडीगढ़ ओके वापस आएगा तो भी 150 फिफ्टी किलोमीटर्स ही होगा ऐसा महीने के अंदर आठ बार होता है सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड इज कपैसिटी डेली टू आगरा एंड बैक द सेम डे डिस्टेंस कवर्ड 120 किलोमीटर वन वे नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ दैट इज टेन सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड एटी फाइव परसेंट ठीक है डेली टू जयपुर एंड बैक द सेम डे डिस्टेंस कवर्ड टू सेवेंटी किलोमीटर नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ दैट सिक्सिंग कपैसिटी ऑक्युपाइड दट्रेड परसेंट फॉलोइंग अदर अदर डिटेल्स अभी ना यहां पर तुम लोग फिक्स वेरिएबल वगैरह ओके सो इधर कीप इन माइंड और राइट इन योर बुक कॉस्ट ऑफ द बस ये वाला चीज डिप्रीसिएशन के लिए दिया हुआ है किलोमीटर आपको लाइफ कैसे दिया हुआ है ठीक है अगर लाइफ इंडर है किलोमीटर्स के अंदर वेरिएबल ठीक है ड्राइवर ट्वेंटी एट हंड्रेड पर मंथ वो तो फिक्स हो जाएगा सैलरी ऑफ द कंडक्टर ट्वेंटी टू हंड्रेड पर मंथ वो तो फिक्स हो जाएगा सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट टू हंड्रेड पर मंथ वो तो फिक्स हो जाएगा इंश्योरेंस फोर्टी एट हंड्रेड पर एन वो तो फिक्स हो जाएगा डीजल डीजल कंजम्शन फोर किलोमीटर पर लीटर डीजल सिक्स पर लीटर वो तो वेरिएबल हो जाएगा रोड टैक्स इन दिस पर्टिकुलर केस इट समथिंग पर एन तो वो तो फिक्स हो जाएगा उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल टेन पर हंड्रेड किलोमीटर वो तो वेरिएबल हो जाएगा उसके बाद परमिट फीस थ्री वन फाइव पर मंथ तो ये तो पर मंथ है तो फिक्स्ड हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग इसको सेमी वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं बिकॉज ऑफ जो आईसी ने फॉर्मैट वगैरह बोला ठीक है डिप्रीसिएशन देखो इट इज ट्वेंटी परसेंट पर एनम ओके तो दाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को एक चीज जरा बोलो तुम लोग इतना समझ में आता है ट्वेंटी परसेंट पर एनम मतलब लाइफ इज एक्चुअली फाइव इ्वेंटी परसेंट गेट एक्सॉस्टेड इन फाइव इयर्स नो सो देस दैटम डेप्रीसिएशन है ना सो देम फिक्स्ड कॉस्ट सीटिंग कैपेसिटी फिफ्टी पीपल कैल्कुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर देखो वेन दे टेल यू नो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज तुमको स्ट्राइक होना चाहिए कि जब कस्टमर को हम लोग फेयर बताएंगे वी विल टेल हिम फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कॉमन सेंस बात है ऑब्वियस बात है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स टोटल टेकिंग्स को अंडरलाइन करके लिख देना कलेक्शन तो अपने को प्रॉफिट कितने का चाहिए बेटा 50 परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग्स टोटल टेकिंग्स मतलब कलेक्शन कलेक्शन बोले तो रेवेन्यू इट इज लाइक 50 परसेंट ऑफ सेल्स और कुछ नहीं ठीक है फेयर इंडिकेटेड पर पर्सन पर पैसेंजर फॉर द जर्नी डेली टू चंडीगढ़ डेली टू आगरा डेली टू जयपुर ठीक है अभी क्वेश्चन okay? दो वर्किंग नोट मेरे साथ खत्म करोगे ठीक है और उसके बाद तुम्हारा काम है बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट देखो कभी ना कभी डीजल कॉस्ट तो निकालोगे मेरे को बोलो ये ये और नो यस yes. सब लोग बोला करो डीजल कॉस्ट तो निकालोगे कभी ना कभी Yes. तो डीजल yes. कॉस्ट निकालने yes. के लिए तुमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ किलोमीटर्स की ना ओके okay. yes. तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालने का ट्राई करते हैं उसके बाद की बात आगे करेंगे सुनो अभी एक मर्जी तुम्हारी देन यू वर्ल टेल मी ऑर मर्जी फर्स्ट जब बाद में ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे यू वुड लाइक टू मेक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ और वन ईयर मैं मंथ बनाता हूं ठीक है तो अब मैं हर एक चीज ना मैं जो भी बात करूंगा पूरे के पूरे सम के अंदर प्लीज मैं पर मंथ ही बात करूंगा ठीक है तो मैं दो वर्किंग नोट सबसे पहले खत्म कर रहा हूं ठीक है एंड देन वी विल डिस्कस द थिंग्स फर्दर तो यहां पे आप लोग लिख के रखिए वर्किंग नोट वन लेट्स मेक द वर्किंग नोट फर्स्ट ओनली आप लोग इसको वर्किंग नोट कभी नहीं भी बोलोगे इफ दे आर मेड इन बिगनिंग तो भी वो चली जाएगा उसको स्टेटमेंट के तौर पर भी यू ऑल कैन राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर मंथ अच्छा तो मेरे को नंबर ऑफ किलोमीटर्स एक महीने के लिए चाहिए तो यहां पर यह वाला चीज जरा देखो डेली टू चंडीगढ़ डेली टू चंडीगढ़ अच्छा याद रखना मेरे को एक महीने का नंबर ऑफ किलोमीटर्स चाहिए ठीक है तो सबसे पहले क्या होएगा 150 फिफ्टी किलोमीटर्स वन वे मेरे को एक महीने का चाहिए डेली टू चंडीगढ़ डिस्टेंस जो है 150 फिफ्टी किलोमीटर्स हो गया अच्छा 150 फिफ्टी किलोमीटर्स जाएगा आगे बोलो ना आगे बोलो ना आएगा 150 फिफ्टी किलोमीटर्स वापिस भी तो आएगा तोड़ के थोड़ी आएगा ओके सुदेवपोर प्लस वन फिफ्टी अच्छा अभी नेक्स्ट चीज ना कॉमन सेंस है लेकिन मेरे को बोलना एक बार फ्रॉम ये तो हो गया एक बारी का जाना आना ऐसा दिन का कितनी बार होएगा पढ़ो ना एक बार ऐसा दिन का कितनी बार होएगा दिन का दिन का जो मैं पूछता हूं वो आंसर क्या करो जो तुम्हारी मर्जी है जो तुमको दिख रहा है दैट इज आंसर दो बार दो बार एक मिनट कार्टून इधर से इधर गया एक सुनो, सुनो एक चुप, चुप 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 इधर से इधर गया और इधर आया ये हो गया एक बारी का जाना आना मैं पूछ रहा हूं ऐसा दिन में कितनी बार होएगा छह बार एक बार एक बार एक बार ना बेटा छह बार किधर से आ गया ऐसा दिन में अभी नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे नहीं दिया हुआ ठीक है अभी नहीं दिया हुआ तो कॉमन सेंस है बेटा डेली टू चंडीगढ़ जा रहा है ओके तो ऑब्वियसली ऐसा दिन में कितनी बार होएगा वन टाइम तो ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बट आई एम राइटिंग बाद में कोई ये ना पूछे कि सर नंबर ऑफ ट्रिप्स किधर से मिल गया नहीं मिला इसलिए इट इज वन ट्रिप पर डे आई थिंक अच्छा डेली टू चंडीगढ़ 150 किलोमीटर जाना 150 किलोमीटर आना ऐसा दिन का एक बार होएगा मेरे को बोलो ऐसा महीने में कितनी बार होएगा बेटा एट टाइम्स तो इन टू एट टाइम्स बस आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अभी नेक्स्ट टू आप लोग स्टार्ट करो और खत्म करो और फिर टोटल मार लेना डेली टू आगरा डेली टू जयपुर ये लिख लो एंड आई एम शोइंग द क्वेश्चन नाउ चलो तो ये भी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ये आ जाता है वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी इंटू वन इंटू सिक्स ये टू सेवेंटी प्लस टू सेवेंटी इंटू वन इंटू एक मिनट ये टेन है और ये सिक्स है तो ये वाला चीज कितना आता है थ्री टू फोर जीरो ना टोटल विल बी एट टू 8040. ठीक है सुनो ये हो गया एक चीज सुनो अभी दूसरा ये जो है कभी ना कभी आप लोगों को पैसेंजर किलोमीटर्स भी निकालना ही पड़ेगा सो लेट्स स्टार्ट टू बी मेकिंग दैट थिंग एज अ सेकेंड नोट तो यहां पे लिख के रखना नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ अच्छा सुनो 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 अभी ये वाला चीज मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूं कल तुम लोगों ने पैसेंजर किलोमीटर्स का क्वेश्चन किया था अंधेरी टू बैंड्रा वाला एक क्वेश्चन किया था अभी तुम लोग मेरे को सिर्फ डेली टू चंडीगढ़ का पैसेंजर किलोमीटर्स बता दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं चाहिए जो कल किया था वही करने के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पीपल हाँ वो डेटा तुम लोगों को काम में आएगा मैंने एक हिंट तुम लोगों को वो दे दिया सीटिंग कैपेसिटी इज 50 पीपल बॉस साक्षी करेक्ट है वो ध्रुव गलत है ध्रुविन वो गलत है सॉरी श्रीधर गलत है आयुष करेक्ट है सान्यम गलत है तजीम करेक्ट है बेटा प्रथम रॉन्ग है श्रीनिवासन रॉन्ग है जय रॉन्ग है महेश करेक्ट है आघोष रॉन्ग है क्रिश राइट है सुनील गलत है मान विजित बेटा अपने को पैसेंजर किलोमीटर सभी चाहिए अभी, अभी सॉरी दिया मिनी आंसर बिचा कमिंग जो लास्ट के अंदर है दाराल से हाँ विजित वो करेक्ट है उज्जवल वो करेक्ट है हिमांशु करेक्ट है सुनो अभी मेरे को बस एक चीज बता देना उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ठीक है मैं एक वो गलत है सुनो वेन दे सी सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड इज नाइंटी परसेंट इज इट नाइन्टी परसेंट गोइंग एंड वॉपिस खाली आएगा और इज इट नाइन्टी परसेंट ऑक्यूपाइड गोइंग एज वेल एज कमिंग बोथ ना यार अगर लोग डेली टू तो चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कोई लोग चंडीगढ़ से डेली भी तो आ ही रहा होगा ना यार ऑब्वियस बात है वो ठीक है तो देखो अभी मैं दो मेथड से करता हूं बट आई वॉन्ट यू ऑल टू बी डूइंग बोथ तो 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 द मेथड ठीक है सो फर्स्ट वाला ये मेरे साथ ही करना हमेशा ना वेन एवर आई एम ट्राइंग टू बी कंप्यूटिंग पैसेंजर किलोमीटर या नंबर ऑफ किलोमीटर्स आई ट्राई टू फॉलो वन रूल इन माई माइंड मैं सबसे छोटा चीज लेकर उसका आंसर पहले कंप्यूट कर लेता हूं एंड देन आई ट्राई टू रीच टेयर आई वांट एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर जो बस है डेली टू चंडीगढ़ जाएगा कितना किलोमीटर्स बेटा 150 अच्छा पैसेंजर किलोमीटर्स इज नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन टू नंबर ऑफ किलोमीटर्स एग्जाम्पल इफ टू पैसेंजर्स ट्रेवल थ्री किलोमीटर्स इट बिकम सिक्स पैसेंजर किलोमीटर्स सो so, 150 ठीक है 150 फिफ्टी किलोमीटर इन दिस पर्टिकुलर केस हो गया आ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना तभी कितने पैसेंजर्स होंगे अपनी सीटिंग कैपेसिटी 50 है एंड सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड इज 90 परसेंट तो यहां पे ऐसे लिख देना 50 इंटू नाइनटी परसेंट ठीक है अच्छा दिस विल बी नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स डेली टू चंडीगढ़ ये तो बस एक जाने का हो गया तुमको तो पूरे महीने का चाहिए तो एक मिनट जाएगा वैसे तो आएगा तो यहां पर एग्जैक्टली सेम चीज आते वक्त भी तो होगा तो इन टू टू कर दिया ऐसा दिन का कितनी बार होगा एक बार बेटा सो वन ट्रिप पर डे एंड लास्टली ऐसा महीने का कितनी बार होने वाला है एट डेज ठीक अभी एक मिनट के लिए रुको ऐसे कर सकते हो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है यू ऑल कैन बी डूइंग बट आर स्लाइटली बिग नाउ देखो तुम लोगों ने क्या किया ध्यान से सुनना मेरी बात ऑलरेडी ना नंबर ऑफ किलोमीटर निकाल दिया है अब मेरे को नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर चाहिए मेरे को बोलो इस 2400 के अंदर अपना सारा का सारा डिस्टेंस तो है मेरे को जवाब देना यस और नो Yes, इसके अंदर जाना आना नंबर ऑफ ट्रिप्स वगैरह तो सब है तो मैं उधर से ही आंसर निकाल लेता हूं तो 2400 किलोमीटर कंप्यूट किया हुआ है एंड कैन बी एवरी किलोमीटर आई हैड फोर्टी फाइव पैसेंजर्स सो 45, yes, so 45 yes, बोले yes, तो 50 इंटू नाइनटी परसेंट तुम लोग कोई भी मेथड से कर लो तुम्हारा आंसर वन लाख एट थाउजेंड पैसेंजर किलोमीटर आएगा शायद मैं हर फ्यूचर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऐसे ही कंप्यूट करूं ऐसे भी कर सकते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ओके बट वट एवर विल सेव टाइम आई ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग इन फ्यूचर ठीक है आप लोग ये वाला चीज कंप्यूट करो उसके बाद लिखो डेली टू आगरा यहां पर आई एम डूइंग बाय बोथ द मेथड्स फॉर ऑल द थ्री केसेस फिर डेली टू आगरा वन ट्वेंटी किलोमीटर्स इंटू फिफ्टी इंटू एटी फाइव परसेंट अच्छा एक मिनट के लिए इतना लिख करना जरा वेट करना देखो कई लोग क्या कर लेता हैं आई एम नॉट रॉन्ग बट देन यू आर न्यू टू वेट तो कई चीजें तुमको शायद वो लगे कि अजीब है अगर कैलसी पर 15 टू एटी फाइव परसेंट करोगे ना जरा करो ना एक बार 42.5 42.5 कोई ऐसा बोल सकता है सर 42.5 पैसेंजर कैसे होएगा सर ओके okay. पैसेंजर आधा कैसे होएगा तो बेबी लोग को लेके जा रहे ऐसा कुछ नहीं है बेटा इट कुड हैपन दैट व्हाइल गोइंग इट इज 42 पैसेंजर्स व्हाइल कमिंग इट इज 43 पैसेंजर्स उन लोगों ने तुमको एवरेज आउट करके 42.5 दे दिया इज दिस ओके तो प्लीज आप लोग वैसे ही यूज करना जैसे दे के रखा हुआ है इसलिए ना मेरे को वो लड़ाई के अंदर नहीं जाना होता है इसके लिए आई डायरेक्टली राइट डाउन लाइक दिस ओनी ताकि था वो दिमाग के अंदर ही ना आए ठीक है ठेके? आगे जरा लिखो इंटू टू इंटू वन इंटू टेन और ऊपर ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर अपना आंसर आया था सेकेंड वाला इंटू फिफ्टी इंटू फाइव परसेंट वन लाख टू थाउजेंड उसके बाद डेली टू जयपुर आप लोग कंप्यूट करो और उसके बाद टोटल मारना वहां पे सीटिंग कैपेसिटी हंड्रेड परसेंट है बस तुमको और कुछ नहीं चाहिए जो One भी चीए। चीए। हाँ तो सबका वो टोटल कर लेना थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड आना चाहिए चेक कर लेना एक बार अच्छा सुनो ये दिल्ली टू जयपुर का कितना आता है बेटा टोटल वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड सुनो अभी सब लोग एक टाइटल जरा देना ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ चलो सन अभी दो मिनट के लिए नहीं लिखना क्योंकि यू गॉट टू बी हैविंग सम पेशेंस ताकि यू ऑल कैन सॉल्व द सम बाय ऑरसे तो जैसे हम लोगों ने कल स्टेटमेंट बनाया था एग्जैक्टली सेम आई एम ट्राइंग टू बी मेकिंग द स्टेटमेंट तो यहां पे आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट मेरे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट को और कौन सा कॉस्ट बोला जाता है तो स्टैंडिंग चार्जेस ये वाले खर्चे तब भी लगेंगे प्लीज याद रखना सबसे बड़ी गलती इस चैप्टर के वो वही होती है दोज आर एरर्स तुम लोग कई कॉस्ट एक महीने के लिए लोगे कई कॉस्ट एक साल के लिए लोगे ओके वो ये गलती हो सकती है

इन टू ट्वेंटी परसेंट दिस विल गिव यू डेप्रीसिएशन फॉर वन ईयर डिवाइडेड बाई पे एक ही बस है तो नंबर ऑफ बसेस का कोई झंझट नहीं है ठीक है तो डेप्रिसिएशन वगैरह यहां पर वो आ जाएगा वो जितने भी कॉस्ट हैं यू ट्राई टू टेक दोस पर्टिकुलर कॉस्ट वो मेरे को वो नहीं मालूम कि कितने कॉस्ट हैं ठीक है सुन ये हो जाएगा फर्स्ट फिर उसके बाद सेकेंड सेकेंड जो तुम्हारा है इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर वेरिएबल वाली कॉस्ट एक डीजल है और एक यहाँ पे वो लुब्रिकेंट ऑयल है सो देो द वेरिएबल कॉस्ट हुआ जिसको हम लोग वो रनिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं वन इज योर डीजल कॉस्ट ठीक है सो डीजल कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ किलोमीटर्स चाहिए था हम लोग ऑलरेडी नोट वन के अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स बना चुका है एट जीरो फोर जीरो अपना नंबर ऑफ किलोमीटर बराबर है ओके डिवाइडेड बाई मेरे को जरा बोलो बस कितने का एवरेज देती है फोर किलोमीटर्स पर लीटर एंड डीजल विल बी कॉस्टिंग सिक्स पर लीटर ठीक है so therefore, 4 into 6, ये वाला आ जाएगा, ठीक है? अच्छा याद रखना obviously, diesel number of kilometers, गलती से पैसेंजर ले किलोमीटर एक और चीज यहां पर भी ना शायद एक डाउट तुम्हारे दिमाग में आए लुब्रिकेंट ऑयल ठीक है ध्यान से सुनना जरा प्लीज लुब्रिकेंट ऑयल यहां पर कैसे दिया हुआ है सर इट इज टेन 10 पर हंड्रेड किलोमीटर हर हंड्रेड किलोमीटर के लिए दस रुपया तो 8040 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10 दिस विल बी योर आंसर ये करेक्ट है ओके okay. कोई लोग ना मेरे को ऐसा बोल देता है सॉरी करेक्ट नहीं है देर आर्ग्यूमेंट चलो यहां पे तो 8040 किलोमीटर है मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल पूछता हूं सपोज अगर 120 किलोमीटर होते ठीक है अगर 120 किलोमीटर होते तो तुम्हारा लुब्रिकेंट ऑयल का जो खर्चा है तब भी हम लोग ऐसे निकालते 120 ट्वेंटी किलोमीटर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू टेन मैं आंसर ऐसे ही निकालता आंसर विल बी ट्वेल्व कोई बोलता है सर ये गलत है वहां पर ऐसे लिखा हुआ है इट इज टेन पर हंड्रेड किलोमीटर आई अंडरस्टैंड वहां पर ऐसे लिखा हुआ है टेन पर हंड्रेड किलोमीटर कोई ऐसा बोल सकता है सर हर सौ किलोमीटर के लिए आगे बोलो दस रुपए का खर्चा तो कोई बोल सकता है सर पहले सौ किलोमीटर के लिए दस रुपए का खर्चा और बाकी 20 किलोमीटर के लिए भी आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो सौ तो रुपए का आ, दस रुपए का खर्चा बराबर तो कोई बोल सकते हो सर ये आंसर नहीं आएगा आंसर तो ट्वेंटी आना चाहिए नहीं बेटा आंसर तो ट्वेल्व ही आएगा मेरे को जरा बोलो तुम लोग दस रुपए का खर्चा करते हो सौ किलोमीटर के लिए बराबर है अगर तुम लोग एक सौ बीस किलोमीटर वो चलेगा ठीक है एक सौ बीस किलोमीटर वो चलेगा तो एक मिनट फर्स्ट साइकिल के अंदर सौ किलोमीटर गाड़ी चला ठीक है दस रुपए का खर्चा आ गया ऑयल वगैरह का उसके बाद नेक्स्ट तुम लोगों ने दस रुपए का ऑयल और दलवाया उसके ना बीस किलोमीटर जो है वो चल गया ठीक है मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारा जो खर्चा हुआ है वो दस रुपए का हुआ लेकिन मेरे को जरा बोलो जो बाकी ऑयल है अस्सी किलोमीटर का क्या वो इवेपोरेट हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर यूज हो ही सकता है ना तुम्हारा फ्यूचर के अंदर यूज हो ही सकता है ना अगर सपोज मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि लाइक यू नो सपोज तुम्हारे पास एक कार है वो ट्वेंटी किलोमीटर का एवरेज देती है ठीक है पेट्रोल से किलोमीटर ठीक है अगर तुम लोग दस किलोमीटर कार चलाओगे तो मेरे को बोलो तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा कितने रुपीज का होगा फोर्टी फाइव तुम लोग ये थोड़ी बोलोगे सर इट विल बी नाइनटी ओके ये थोड़ी होएगा बेटा जो आधा लीटर पड़ा हुआ है दैट कैन बी नो इन द फ्यूचर ओके तो प्लीज यहां पर कैल तुमको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था तो ये मत बोलना सर इट इज टेन फॉर एवरी हंड्रेड किलोमीटर तो इसलिए आप क्या करो एट थाउजेंड किलोमीटर्स के लिए आप कंप्यूट कर लो और बाकी फिर बाकी फोर्टी किलोमीटर्स के लिए आप डायरेक्टली दस रुपए एड कर देना वैसा नहीं करना ओके ये थोड़ी है कि जो बाकी ऑयल है वो वेपोरेट हो जाएगा ठीक है बस मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के ना दो ही वेरिएबल कॉस्ट था ठीक है ये वाला भी काम तुम्हारा हो जाएगा फिर उसके बाद थर्ड थर्ड जो है तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज पर द फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट ने दिया वो लोग बोलता है कुछ नहीं बोला तो मेंटेनेंस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना मेरे ख्याल से हाँ उसको तुम लोग सेमी वेरिएबल के अंदर डाल देना तो चलो ठीक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो तुम लोग सेमी वेरिएबल के अंदर वो डाल देना वो यहां पे डायरेक्टली कितने रुपीज का है थाउजेंड बस वंस यू विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग दिस विल बी रोमन नंबर थ्री हो भैया अभी ध्यान देना एक क्वेश्चन है जिसके लिए बहुत ज्यादा अक्कल चाहिए ठीक है वो अभी बस आने वाला है देखो दिस इज टोटल टू प्लस थ्री ठीक है तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक महीने का सारा का सारा खर्चा ठीक है लेकिन सामने अपने को क्या पूछा था देखो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज टू ईच पैसेंजर तुमको ये लिखने का है तुमको ये कंप्यूट करना है कि भाई हम लोग कस्टमर लोगों से चार्ज कितना करें बेटा कस्टमर लोगों को तो हम लोग अपना प्रॉफिट भी तो चार्ज करेंगे ना यार ओके सो देर फोर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर एड प्रॉफिट मेरे को जरा बोलो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू वॉट आई थिंक एक मिनट मैंने अभी तक ना एक यूनिट के लिए कुछ नहीं कंप्यूट किया ठीक है मैं सब कुछ टोटली totally कर रहा हूं सब कुछ ये टोटल कॉस्ट है टोटल प्रॉफिट है तो यहां पे टोटल सेल्स आ जाएगा लेकिन मेरे को सेल्स वर्ड यूज नहीं करना मेरे को रेवेन्यू वर्ड यूज करना है लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड ना आई विल यूज जो टेक्स्ट बुक के अंदर है ओके सो आई विल बी यूजिंग द वर्ड टोटल टेकिंग्स ठीक है अच्छा यहां पर अब जरा देखना प्रॉफिट कैसे दिया हुआ है प्रॉफिट इज पढ़ो 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 द प्रॉफिट इज 50% परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग ब्लू कलर के अंदर आई एम राइटिंग नाउ इट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल टेकिंग अगर ये हंड्रेड है ये फिफ्टी है तो मेरे को बोलो कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा फिफ्टी तो बस आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ जितना भी तुम्हारा जितना भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट होएगा ना आगे बोलो ना एक और लाइन उतना ही प्रॉफिट यहां पर लिख देना दोनों फिफ्टी फिफ्टी है तो तुम लोग को टोटल टेकिंग्स मिल जाएगा ठीक है लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन यहां कर खत्म नहीं हुआ बेटा इतना अमाउंट शुड बी माय रेवेन्यू फॉर आगे बोलो आगे बोलो फॉर वन मंथ ऐसा थोड़ी है जो कस्टमर पहले दिन बस के ऊपर चढ़ेगा उसको बोलेगा पूरा का पूरा अमाउंट जिंदगी में तू ही देगा ओके वो बस के ऊपर कभी वो चढ़ेगा नहीं वो भाग जाएगा वो ओके तो दिस हैज टू बी रिकवर्ड ओवर ऑल पैसेंजर्स ओवर ऑल द किलोमीटर्स तो मैं क्या करेगा टोटल टेकिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स दैट इज थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड जो तुम लोगों ने कंप्यूट किया बस दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी नथिंग बट फेर पर पैसेंजर किलोमीटर ओके सबको यह चीज समझ में आ गया Yes, अच्छा बस अब को एक चीज जरा बोलना आई एम नॉट कि आंसर रुपीज टू आएगा वो नहीं आएगा मेरा आंसर टू आया ठीक है मेरे को बोलो टू विल बी टू पर पैसेंजर किलोमीटर जब मैं बोलता हूँ फेयर चार्जर टू पर पैसेंजर किलोमीटर तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है व्हाट इज टू अगर अगर एक पैसेंजर एक किलोमीटर तो तो बस में रहता है ओके ही विल बी पेइंग रूपीज टू ठीक है अभी ये वाला चीज मैं तुमको क्यों पूछा क्योंकि तुमको ये भी नहीं कंप्यूट करना है ठीक है सामने तेरे को क्या पूछा है ये लास्ट चीज है पक्का द फेयर आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी डेली टू चंडीगढ़ डेली टू आगरा डेली टू जयपुर अभी तुमको समझ में आएगा तुम लोग कभी ना कभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस के अंदर तो गए हो गए ठीक है मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से मैं तो आई हैव गॉन हैलॉट ऑन ओनली तो मैं तुमको क्या बोलता हूं अभी ऐसा थोड़ी होएगा हर किलोमीटर के बाद कंडक्टर आएगा दो रुपया देना दो रुपया देना दो रुपया दे कभी वैसे थोड़ी होएगा ओके तो ऑब्वियसली यू बाय द टिकट फॉर द एंटायर जर्नी ओनली ठीक है तो वी हैव टू बी राइटिंग ओवर हियर द फेयर फेयर पर पैसेंजर अपने को भी फेयर पर पैसेंजर ही चाहिए बट फॉर डेली टू चंडीगढ़ डेली टू आगरा डेली टू जयपुर ओके बस अभी अपना पोपट नहीं करवाना इतना करेक्ट बोल के अभी एंड के अंदर अपना पोपट मत करना ऑल दो ये वाला आंसर टू नहीं आएगा टू आई एम ओनली टेकिंग फॉर इलास्ट्रेशन पर्पज ठीक है मेरे को अभी जरा बोलो टू पर पैसेंजर किलोमीटर इज अ रेट करेक्ट तो वन पैसेंजर ट्रेवल्स फॉर वन किलोमीटर द रेट विल बी रूपीज टू अभी लास्ट चीज है बस ये गलत मत बोलना गलत मत बोलना डेली टू चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है वन फिफ्टी किलोमीटर मैं तुम लोगों से क्या पूछ रहा हूं फॉर एवरी किलोमीटर फॉर एवरी पैसेंजर वी चार्ज द पैसेंजर टू रुपीज ठीक है आई वॉन्ट टू बी टेलिंग हिम भाई मेरे को डेली टू चंडीगढ़ का इतना अमाउंट देना ओके okay, मैं कंडक्टर हूं डेली टू चंडीगढ़ का मेरे को इतना अमाउंट देना शुड आई मल्टीप्लाई वन फिफ्टी किलोमीटर इंटू रूपीज टू पर पैसेंजर किलोमीटर और शुड आई मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड किलोमीटर गोइंग एंड कमिंग मतलब बाई रुपीज टू ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था बस 150, 150. सब लोग एक बार मेरे को अपना अपना आंसर दे दो 150, 150. 150. अभी कॉमन सेंस है यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर नो भाई कि तेरे को ना दिल्ली से चंडीगढ़ जाकर वापस आना ही पड़ेगा यू कैनोट फोर्स नो लाइक दैट ओके उसकी मर्जी ही टू स्टे एट चंडीगढ़ ओनली फॉर इज एंटायर लाइफ कोई बोलते सर अगर वापस आने का होएगा तो वापस आने का होएगा होगा टेक टिकट नो तो ऑब्वियसली वेन एवर यू गिव द कोटेशन यू गिव द कोटेशन फॉर गोइंग मतलब वन सिंगल वे इज इज ओके तो दिस विल बी यहां पर 150 फिफ्टी किलोमीटर इन टू वट एवर द आंसर कम्स वो तो मैंने टाइम पास के लिए कुछ भी वो लिखी दिया था यहां पर इट विल बी वन फिफ्टी यहां पर इट विल बी टू सेवेंटी बस ज विल बी यस फॉर विच यू बी गेटिंग योर मार्क्स एज सच सिली सिली एयर मत करना प्लीज टेक एवरीथिंग फॉर वन मंथ अगर कुछ साल का डेटा है डिवाइड बाई ट्वेल्व करना ठीक है यू ऑल आर स्टार्टिंग तुमको मेरी स्टेटमेंट की एज सच कोई जरूरत नहीं है ठीक है इन एनी केस दिस इज देअर आई कम बैक टू दिस आफ्टर सम टाइम क्वेश्चन इज देयर ताकि यू ऑल कैन रेफर टू इट ठीक है आप लोग स्टार्ट करो पहले सारे फिक्स कॉस्ट लो फिर सारे वेरिएबल कॉस्ट लो यू ऑल कैन कंटिन्यू तुम्हारे पास दस मिनट है तुम्हारा दस मिनट के अंदर सम होना चाहिए तुम्हारा फर्स्ट वाला जो आंसर है ट्वेंटी फोर आना चाहिए ये वाला नाइनटीन पॉइंट टू फोर्टी थ्री पॉइंट टू मैंने टूव करेक्ट yes, हाँ मैंने टूवंडा हाफ मिनट्स और दी जिन लोग का वो नहीं आया प्लीज ट्राई टू बी डूइंग साक्षी आपके आंसर शायद वो गलत है प्लीज चेक मेरे को एक बार ये फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर तो वो बता दो जिन लोगों का आंसर करेक्ट है बेटा जीरो फोर जीरो फिर वेरिएबल कॉस्ट वन टू ठीक है बस वन टू एट सिक्स फोर और फाइनली जो वन प्लस टू प्लस थ्री था टोटल कॉस्टल टू डबल नाइन जीरो फोर ठीक है चलो जिन लोग का आंसर नहीं आया है प्लीज ट्राई टू चेक ऑन दीज लाइंस एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉफिट विल बी सेम एज कॉस्ट नो टू नाइन नाइन जीरो फोर नो एक सेकेंड बेटा सिक्स लैक्स इंटू ट्वेंटी परसेंट डिवाइडेड बाई ट्वेल्थ टेन थाउजेंड ये खत्म करो एक ये, ये खत्म करो एवरीबडी इज गॉड दी आंसर यस सर चलो ठीक है ठीक है आगे चल पढ़ते हैं सुन क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आएंगे प्लीज पढ़ी कैरी ऑल एंटरप्राइजेस हैज बीन परमिटेड टू रन अ मिनी बस तो एक ही मिनी बस से बेटा रूट कवरिंग 20 किलोमीटर अच्छा एक चीज अगर इसके बारे में कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं अभी अभी ही बोल देता हूं कोई एक मिनी बस है इट विल बी ट्रेवलिंग रूट कवरिंग ट्वेंटी किलोमीटरिंग ट्वेंटी किलोमीटर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना इज गी ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है कई लोग ऐसा विचित्र ख्याल अपने दिमाग में लाता है सर ऐसा गोला रूट होगा तू वो ट्वेंटी किलोमीटर होएगा तो ऐसा कोई विचित्र चीज होएगा प्लीज दे विल मेक अ डायग्राम एंड दे विल एक्सप्लेन इट टू यू दैट यूट सरको किलोमीटर से दूसरी जगह जाना इज गोइंग टू बी किलोमीटर द मिनी बस हैज बीन एट अ कॉस्ट ऑफ वन लाख रुपीज पार्ट ऑफ विच बीन फाइनेंस थ्रू बैंक लोन एंड द बैलेंस लोन फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक तो उन लोगों ने जो मिनी बस है वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो लोन के ऊपर वो लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी आएगा आगे जाके तुम लोग दिख जाएगा एनुअल चार्जेस फॉर द मिनी बस आर एनुअल 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 इंश्योरेंस रोड टैक्स टू थाउजेंड गारेरेज रेंट ट्वेल्व हंड्रेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज टू बी पर एनम वेल रिप्लेसमेंट ऑफ टायर एंड ट्यूब विल बी फोर एट्टी पर मंथ ठीक है टायर एंड ट्यूब मेरे ख्याल से टायर एंड ट्यूब भी उस लिस्ट के अंदर सेमी वेरिएबल के अंदर ही था ऑफिस costing 45 आर एस्टिमेटेड एट Two एंड and टू ड्राइवर्स एंड टू कंडक्टर्स आगे भी पढ़ लो ये नहीं है क्योंकि शादी होने वाली है ठीक है दे आर एंगेज एट मंथली सैलरी ऑफ फाइव हंड्रेड एंड थ्री फिफ्टीवली ठीक है हम लोग ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द रीजन इस लाइन की वैसे कर रहे हैं इन एडिशन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स आर एंटाइटल टू फाइव पर्सन ऑफ द सेल ऑफ द टिक्स तो इस क्वेश्चन के ना हम लोग ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ना दो टाइप ऑफ पेमेंट कर रहे हैं एक उनको फिक्स सैलरी दे रहे हैं जो फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाएगा और एक हम लोग उसको जितना भी सेल हुआ ना उसका बोलो आगे पांच परसेंट का कमीशन ये वाला जो कॉस्ट है ना दिस विल बी पुटिंग इन दैट वेरिएबल वाला कॉस्ट ठीक है आगे द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द व्हीकल इज एस्टिमेटेड टू बी इयर्स एट द एंड ऑफ व्हिच इट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ टेन थाउजेंड अभी बराबर से पढ़ना द मिनी बसेस ट्वेंटी फोर सीटर एंड इज एक्सपेक्टेड टू रन सिक्स टू वे ट्रिप्स जूरिंग द डे फॉर ट्वेंटी days in a month, carrying its full load. Full load मतलब in this case going वक्त भी full load आगे बोलो कमिंग वक्त ठीक है अच्छा एक और चीज मतलब कई लोगों के अंदर दिमाग भगवान ने बहुत ज्यादा वो दिया रहता है तो लोग ऐसा दिमाग यूज करता है सर लिखा हुआ द मिनी बसेस ट्वेंटी फोर सीटर सर सर एक सीट तो ड्राइवर मन लेगा एक सीट तो कंडक्टर मन लेगा तो सर ट्वेंटी टू पैसेंजर्स क्यों ये हिडन एडजस्टमेंट है सर ओके ऐसा कुछ नहीं है पागल है, ओके दे से ट्वेंटी फोर सीट्स आर देर मतलब ट्वेंटी फोर सीट आर देर फॉर फॉर द कस्टमर्स ठीक है ड्राइवर के लिए अलग से सीट होगा वो तुम लोग उस सीट के ऊपर वो नहीं बैठ सकता ठीक है आगे यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर फॉर अप्रूवल बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तुम्हारे इस दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए सर अपने को ना फेयर स्ट्रक्चर निकालने का है फेयर स्ट्रक्चर मतलब दिस क्वेश्चन इज ऑन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी विच कैरीज अ पैसेंजर्स तो फेयर कैसे कंप्यूट होता है इट विल बी फेयर पर आगे बोलो फेयर पर पासे। पासे। पर पैसेंजर किलोमीटर अभी वो लोग दें या ना दें ये ऑब्वियस बात है ठीक है दे माइट नॉट बी सेइंग थिंग्स उस ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन मेरे को ये वर्ड बहुत प्यारा है ऑन नेट सेल्स ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो अलाउड एज अ कॉस्ट इफ इंस्टॉलमेंट रेगुलरली अज्यूम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी सिक्स टू ये लास्ट लाइन टाइम मत जाना प्लीज ठीक है वो नीचे होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि इग्नोर करो ठीक है सुनो तुम लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर पहले एक चीज तो जरा लिखो यू ऑल राइट डाउन जैसे पिछली बार लिखा था सेम थिंग यू ऑल राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स फॉर वन मंथ और कंप्यूट करो कैलसी के ऊपर मेरे को बताओ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स फॉर वन मंथ कैलसी के ऊपर ही कंप्यूट करना प्लीज सर हाँ

ये भी परमंत है ये भी परमंत है तो ठीक है इतना कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को मैसेज करना मेरे को मैसेज करना मेरे को मैसेज करना अभी तक जिन लोगों ने आंसर लिखा है वो करेक्ट है मानसी नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं पूछा था आपसे नंबर ऑफ किलोमीटर्स पूछा है और कुछ कॉमन सेंस हमेशा रखा करो ट्वेंटी किलोमीटर इज इधर से इधर जाना अपना बात हो गया वत्सल बाकी सब लोग का आंसर करेक्ट है चलो तो कंप्यूट करते हैं आप लोगों ने टाइटल तो दिया था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स इन वन मंथ तो अभी देखो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर्स तो लिखो इधर ट्वेंटी किलोमीटर्स अभी जाएगा तो वापस भी तो आएगा 20 किलोमीटर्स। मेरे को जरा बोलो फोर्टी किलोमीटर ऑफ किलोमीटर इन वन ट्रिप गोइंग एंड कमिंग बोलो ऐसा दिन में कितनी बार होता है, दिन में, दिन में? है so सिक्स टाइम्स होता है सो इन टू सिक्स ट्रिप्स इंटू ऐसा महीने में कितनी बार होएगा? ट्वेंटी फोर डेज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव नहीं है नहीं ट्वेंटी फाइव है ना सॉरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर ये तुम्हारा फर्स्ट चीज था ठीक है अभी सेकेंड यू ऑल राइट नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स इन वन मंथ पिछली बार दो ट्रिक्स बताया था ओके तो तुम लोग सोचो मेरे को आंसर बताना कोई भी ट्रिक्स है लेकिन वो मैसेज करना प्लीज आंसर वो बोलना मत, सबका करेक्ट है आदर्श सॉरी हिमांशु मेरे को नंबर ऑफ किलोमीटर नहीं किलोमीटर्स चाहिए बॉस पैसेंजर किलोमीटर हम लोग पैसेंजर किलोमीटर पर पहुंच गए अच्छा जैसे भी करो आंसर वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड आता है मैं दोनों मेथड से कर देता हूं वो एक लाइन का फर्क है इधर से इधर ट्वेंटी किलोमीटर्स कितने पैसेंजर्स बेटा ट्वेंटी फोर पैसेंजर्स ठीक है ये हो गया एक बारी का जाना वापस आएगा तो भी तो वही हाल है इंटू टू ऐसा दिन में छह बार ऐसा महीने में पच्चीस बार और मेरे को मालूम है तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया को बोलो, तुम ने कैसे निकाला आंसर सिक्स थाउजेंड इंटू टूमी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर इन आगे बोलो इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हर किलोमीटर पर ट्वेंटी फोर पैसेंजर्स तो थे ना यार वन फोर्टी फोर थाउजेंड पैसेंजर किलोमीटर्स चलो ये दोनों चीजें एक मंथ के लिए किया अभी तो मेरे को तुम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एक मंथ के लिए ही बोलना पड़ेगा कि बनाओ ठीक है वरना फिर अपने को ये वाला फिगर्स ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर वो कर वो वो ठीक है विल मेक द थिंग्स फॉर वन मंथ तो अपना क्या चाहता है यू ऑल राइट आउन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ हम लोग स्टार्ट ही करते हैं तो एक अट्ठा ही स्टार्ट करते हैं दैट्स ओके चलो लिखो एक पर्टिकुलर्स और एक रूपीज वाला कॉलम फिक्स कॉस्ट चलो सुनो ऑर्डर के अंदर ही स्टार्ट कर लेते हैं मैं डेप्रिसिएशन से चलो स्टार्ट करता हूं डेप्रिसिएशन वन लाख, लेस स्क्रैप वैल्यू इधर है बेटा टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव इस लेकिन ये डिप्रिसिएशन एक साल का देगा इन टू वन बाई ट्वेल्वीन हंड्रेड ठीक है आगे आई थिंक बाकी जो है ना यहां पर वो वाली कॉस्ट हम लोग लिखने स्टार्ट कर देते हैं बस बीच में सेमी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह भी आ सकते हैं सो जस्ट बी केयरफुल तो यहां पे सबसे पहले इंश्योरेंस फोर थाउजेंड लेकिन एक साल का है एनुअल कॉस्ट तो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व राउंड ऑफ करके तो लिखते रहना प्लीज आई एम राइटिंग थ्री थर्टी थ्री पैसे नहीं लिख रहा हूं थर्ड रोड टैक्स टू थाउजेंड गैरेज रेंट सिक्सटी अच्छा मेरे को बोलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को किधर डालू सेमी सेमी वहां पे वो टायर एंड ट्यूब भी वो आईसीए बोलता है उसको सेमी वेरिएबल में डाला करो चलो ठीक है तो बाद में बात कर लूंगा ऑफिस एक्सपेंसिस 600 पर मंथ तो ये तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसिस 600 ठीक है आगे पेट्रोल एंड ऑयल ये वेरिएबल कॉस्ट के नाम आ जाएगा फिर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स तो यहां पे सिक्स ड्राइवर सैलरी कंडक्टर सैलरी अच्छा टू ड्राइवर्स एंड टू कंडक्टर्स आर एंगेज एट अ मंथली सैलरी ऑफ फाइव हंड्रेड एंड थ्री फिफ्टी रिस्पेटिव थ्री फिफ्टी पर मंथ होनी तुम भी एक मंथ का ही कंप्यूट कर रहे हो पे लिखा हुआ है मंथली सैलरी लेकिन दो ड्राइवर होंगे दो कंडक्टर होंगे तो दिस इज वन थाउजेंड दिस इस 700। आगे कुछ और है ये वाला जो चीज है ना बेटा ये जो कमीशन आएगा ये अपन लोग वहां पे डाल देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट के ना एक और चीज है खामच जाना इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंटरेस्ट सिक्स सेवन टू जीरो था मेरे ख्याल से वो साल का था बेटा हाँ, पर एनम था वो फाइव सिक्स जी टोटल एक मिनट के बाद करना बेटा यहां पे अभी लिखो सेकंड वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फर्स्ट यहां पर एक तो पेट्रोल एंड ऑयल कॉस्ट आ जाएगा अच्छा इट्स फोर्टी फाइव पैसे पर किलोमीटर तो जीरो पॉइंट फोर फाइव पर किलोमीटर हम लोगों ने नंबर ऑफ किलोमीटर्स तो कंप्यूट कर ही लिया था ना कितने का था सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेकेंड बस ये एक पंगे वाली बात आ गई कमीशन टू ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स इट इज फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यू अच्छा लेकिन तुम लोग को समझ में आएगा बेटा रेवेन्यू तो निकाल नहीं सकते ना इस वक्त तुमको ये चीज समझा क्योंकि रेवेन्यू के लिए तेरे को कॉस्ट चाहिए अभी तक कॉस्ट ही नहीं मालूम ठीक है तो ये वाला चीज ब्लैंक रखते हैं ठीक है तो रोमन नंबर टू मैं तुम लोग को निकाल के नहीं दे पाऊंगा अभी ठीक है आई विल नॉट बी एबल टू बी डूइंग दैट ठीक है चलो थर्ड तो दे पाऊंगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस था और एक यहां पे टायर एंड ट्यूब था देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिक्स थाउजेंड पर एनम था बेटा तो सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय बारह करना पड़ेगा पांच सौ टायर एंड ट्यूब फोर एट्टी पर मंथ 980 एट्टी टोटल वन प्लस टू प्लस थ्री अच्छा अभी उसके बाद अपने को प्रॉफिट भी तो चाहिए दिस विल स्टार्ट टू गिव यू योर रेवेन्यू अच्छा सुनो लेकिन प्रॉफिट के लिए सामने अपने को क्या दिया विच अलाउस ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन आगे जोर से बोलो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन नेट सेल से, अभी ना तुमको नेट सेल्स का मतलब आराम से इमेजिन करना पड़ेगा उसी के लिए ये वाला क्वेश्चन स्पेशल है कुछ बोलना मत मेरे को अभी बस यहां पे वो वाला चीज लिख दो सुनो जब तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा ठीक है दिस इज द टोटल रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड दिस इज द टोटल रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल ओवर द इंटायर डिस्टेंस फॉर वन मंथ तुमको तो समिट अ पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर चाहिए फेयर स्ट्रक्चर मतलब यू वॉन्ट रेट पर पैसेंजर किलोमीटर सो दे फुट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड दिस विल गिव यू फेयर पैसेंजर किलोमीटर अच्छा तुम लोग क्या करो एक तो मेरे को रोमन नंबर वन का टोटल बता दो एक बार फोर नाइन सिक्स फोर नाइन सिक्स जीरो चलो ठीक है सुनो सुनो अभी तुम्हारा काम है ठीक है बराबर से सोचना मेक हिंट के साथ आई विल से समथिंग एंड देन यू ऑल ट्राई टू बी कंप्लीटिंग देखो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्रॉफिट विल गिव यू रेवेन्यू ठीक है ऐसा एक इक्वेशन बनाना लेट रेवेन्यू बी एक्स ठीक है तो कमीशन विल बी फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यू ओके एंड प्रॉफिट भी ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट सेल्स अभी नेट का मतलब तुम लोग को सोचना पड़ेगा ठीक है अगर वो सोच लिया बस तो उसके बाद तुमको बस इतना ही करना है वन टू तुम्हारे पास x की फॉर्म के अंदर आएगा तुमको अभी तक समझ गया रहेगा जो थ्री है वो तो नाइन एटी है तो तुमको वन प्लस टू प्लस थ्री एक्स की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा प्लस प्रॉफिट वो भी एक्स की फॉर्म के अंदर ही आएगा ठीक है दैट शुड बी इक्वल टू एक्स सॉल्व करके आंसर आ जाएगा चलो ठीक है मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक स्टार्टअप तो दे ही देता हूं यू ऑल कैन राइट नाउ यहां पे वो नीचे वो लिख के रखो लेट रेवेन्यू बी एक्स मैं सब कुछ नहीं करता बट आई गिव यू द स्टार्टिंग पॉइंट लेट रेवेन्यू बी एक्स तो रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट आगे बोलो प्लस एक और चीज भी बोलो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ठीक है तो दिस इज एक्स दिस इज फोर नाइन सिक्स जीरो जो तुम लोगों ने मेरे को बोला था बस आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आगे तुम्हारा काम आगे जो भी करने वाले हो रफ के अंदर ही करना लेकिन चलो बिकॉज आई लव यू ऑल सो मच तुम लोग क्या कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का एक पार्ट तुमको मालूम है टू सेवन जीरो जीरो एक और पार्ट तुमको कमीशन वाला पार्ट इधर डालना पड़ेगा सेमी वेरिएबल तो नाइन है प्रॉफिट तुम लोग को डालना पड़ेगा मेरे को दो मिनट से पहले आंसर मत देना क्योंकि प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट सेल जिन लोगों ने आंसर दे दिया वो गलत ही होगा पक्की बात है ठीक है तीन मिनट से पहले आंसर दिया हमेशा की तरह गलत होएगा ठीक है तीन मिनट के बाद मेरे को आंसर देना इक्वेशन बनाओ आंसर लाके दो उज्जवल गलत है वो सोचो आराम से हाँ एक मिनट जिन लोगों का करेक्ट है मैं बोल देता हूं विजित करेक्ट है आगोश करेक्ट है क्रिश नेट रेवेन्यू का बेटा मतलब तो क्रैक ही नहीं किया उन लोगों ने बेटा एक्स का वैल्यू ना तुम्हारी कॉस्ट से कम नहीं आ सकता ना अच्छा सुनो इंटरेस्ट किया ना बेटा फिक्स कॉस्ट के अंदर अच्छा सुनो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ऑब्वियसली कमीशन विल बी फाइव परसेंट ऑफ द सेल ऑफ द टिकट्स तो यहां पर पॉइंट जीरो तुम्हारा करेक्ट ही हुआ रहेगा ऑलमोस्ट शायद आप लोग आपने कुछ राउंडिंग ऑफ किया ना शायद कुछ गलत किया हो शायद अच्छा सुनो तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट हो गया सेमी वेरिएबल भी हो गया प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट सेल्स एक बार ना इसे लिख के रखो ना इल बी बेटर शायद याद भी रहे उसके बाद ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट सेल्स हिमांशु गलत है बेटा वो एक्स इज इक्वल टू मैं क्या सी ले रहा है फोर नाइन सिक्स जीरो एब्सोल्यूट नंबर को एड कर रहा हूं प्लस दो हजार सात सौ प्लस नाइन एट्टी एट सिक्स फोर जीरो ले लिया प्लस पॉइंट जीरो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ अब क्रैक करना पड़ेगा यार नेट सेल्स महेश करेक्ट है नेट सेल्स का मतलब मेरे हिसाब से तो नेट मतलब कोई ना कोई चीज लेस ही होएगा मैं यूजुअली सोच लेता हूं अभी नेट सेल्स का मतलब मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन के ना एक ही हो सकता है नेट सेल्स का मतलब विल बी सेल्स माइनस कमीशन मेरे ख्याल से और तो कुछ लेस करने का ताल्लुक ही नहीं होता ओके और क्या लेस करोगे कोई सेल्स रिटर्न वगैरह तो हो नहीं सकता इट इज नॉट लाइक यू आर सेलिंग गुड्स एंड द गुड्स कम बैक ओके आई थिंक यहाँ पे एक ही चीज है बिकॉज इल हैपन समथिंग लाइक दिस से हंड्रेड रुपीज कस्टमर ने दिया पांच रुपया जो है वो तो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पहले वो रख ही लेंगे तो जो नेट अपने पास आएगा वो नाइनटी है ओके सो दे फोर यहाँ पे नेट सेल्स का मतलब एक बार सब लोग लिख के रखना सेल्स लेस कमीशन तो x इज इक्वल टू एट सिक्स फोर जीरो प्लस पॉइंट जीरो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स मैंने x लिया कमीशन पॉइंट जीरो फाइव एक्स लिया तो x इज इक्वल टू एट सिक्स फोर जीरो प्लस पॉइंट जीरो फाइव एक्स ठीक है प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ जीरो मार रहा हूं बेटा पॉइंट वन नाइन एक्स आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू एट सिक्स फोर जीरो प्लस पॉइंट टू फोर एक्स पॉइंट टू फोर एक्स को इधर लेके जाओ पॉइंट सेवन सिक्स एक्स आ जाएगा एक्स का आंसर निकाल लो 11368 वो कर लो एक बार और फिर क्या करना अपने को ना तीन चार चीजें इसके साथ खत्म करनी होंगी पहले वो कर लो रेवेन्यू इधर वन वन थ्री सिक्स एट डाल लो एक बार वन वन थ्री सिक्स एट डिवाइडेड बाय वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड यह आ जाता है पॉइंट जीरो एट मैं राउंड ऑफ कर दिया अप टू टू डेसिमल्स तो यहाँ पे लिख दिया करो कभी भी राउंड ऑफ करते हो ना फाइनल आंसर के ना लिख देना अप्रॉक्सीमेटली और बाकी चीजें जो अभी तक नहीं निकाली थी वो निकाल लेते हैं बेटा वन लो एक बार कैलसी के ऊपर इन फाइव परसेंट मारो तो आपको कमीशन मिल जाएगा ये कितना आता है बेटा फाइव सिक्सटी एट आता है एक बार चेक कर लो सब लोग यस यस प्लस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री टू सिक्स एट तो फोर नाइन सिक्स जीरो प्लस थ्री टू सिक्स एट प्लस नाइन एटी नाइन टू जीरो एट प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर भी लोगे या फिर कंप्यूट करोगे इन एनी केस वो सेम ही आने वाला है टू वन सिक्स जीरो बैलेंसिंग फिगर ले लो या कंप्यूट कर ले बेटा अगर कैलकुलेट करने का मन होएगा तो देख लेना सेल्स लेना एक मिनट में ग्रीन कलर के अंदर दिखाता हूं भी बेटा अगर कंप्यूट करने का मन है तो सेल्स लेना उसके ऐसे कमीशन लेस करना जो भी आंसर आए उसका ट्वेंटी परसेंट के देख लेना आंसर टू वन सिक्स जीरो चाहिए वन वन थ्री सिक्स एट माइनस फाइव सिक्सटी एट इन टू ट्वेंटी परसेंट टू वन सिक्स जीरो वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जब आए ना ये वाला क्वेश्चन क्योंकि दो बार आ चुका है एक बार नेटवर्ड था एक बार नेटवर्ड नहीं था जब नेट वर्ड होगा तो दिस इज दी आंसर मेरे को जरा बोलो जब नेट वर्ड नहीं होएगा तभी ये वाला पार्ट तुम लोग कैसे कंप्यूट करोगे टोटल इट विल बिकम पॉइंट टू एक्स तो इज दट ओके तो तभी आप जो कमीशन वाला पार्ट है वो वाला काम आप मत करना और क्या ठीक है चलिए ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के ना देख लेते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग ऑफ कॉर्स दिस इज इंपॉर्टेंट ये वाला डाउट शायद तुमको अभी ना आए लेकिन फ्यूचर के ना कभी आ जाए प्लीज टेक इंटरेस्ट ओके मैं ना तुमको इस uh, चैप्टर के अंदर कॉस्टिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूं आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू भाई तेरे जो भी खर्चे हैं इंटरेस्ट वगैरह आता है ना वो हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर लिखें या ना लिखें भाई तेरा खर्चा तो है ओके वी माइट नॉट राइट डाउन दैट कॉस्ट इन कॉस्टिंग बट इट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी पेइंग नो सो राइट एवरी कॉस्ट राइट एवरी कॉस्ट इट इज ऑल्सो अ कॉस्ट मे बी फाइनेंशियल एक सेकेंड सब लोग को फर्स्ट चैप्टर याद है अपना कॉस्टिंग का देर आर सम एक्सपेंसिस दैट डू नॉट कम इन कॉस्टिंग नो बट इवन इफ दे आर नॉट कमिंग इन कॉस्टिंग दे आर स्टिल कॉस्ट फॉर यू बॉस ओके मैं तुमको यहाँ पे कॉस्टिंग बुक्स कॉस्ट शीट वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ ओके okay, जो भी खर्चा है कस्टमर से रिकवर वो करने का है ना तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी वो डाला हुआ है इट इज ऑल्सो कॉस्ट मे बी फाइनेंशियल वट द हेल इट मैटर्स वी हैव टू रिकवर द कॉट फ्रॉम द कस्टमर हो नहीं कस्टमर से कॉस्ट तभी रिकवर होगा जब वो हम लोग कॉस्ट के अंदर वो डालेंगे नेट सेल्स शुड मीन सेल्स लेस कमी फेयर स्ट्रक्चर विल मीन फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर इट इज इम्प्लाइड प्रॉब्लम आईट नॉट बी सेमिशन विल बी वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज डिपेंडेड अपॉन सेल्स इफ यू आर मेकिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन मंथ डू ऑल कैलकुलेशन फॉर वन मंथ डू नॉट मेक से मिस्टेक्स ठीक है चलिए यह हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है दैट इज सपोज टू बी डन फॉर होमवर्क उसके लिए वन साइड यू ऑल कैन लीव क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए वन साइड यू ऑल कैन लीव फोर्टीन के लिए वन साइड यू ऑल कैन लीव तो आप लोग तीन साइड जो हैं वो छोड़ देना फिफ्टीन से स्टार्ट करेंगे सुनो अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर शायद कंप्लीट हो शायद कंप्लीट ना हो बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू कंप्लीट ओके पढ़िए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पढ़िए सर प्लीज रीमिक्स पी एल सी मेक्स रेडी मिक्स सीमेंट एंड ऑपरेट्स अ स्मॉल फ्लीट ऑफ व्हीकल्स विच डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स विद इन इट्स डिलीवरी एरिया अच्छा पूछ रहा था कि तुम लोग को एक आइडिया लग जाए मेरे को जरा बोलो ये वाला कंपनी क्या बनाता है सिमेंट और कस्टमर लोगों को सीमेंट डिलीवर करके आ जाता है तो मतलब जब भी वो लोग सीमेंट बना लेंगे सीमेंट को अपने ट्रक के अंदर डालेंगे ट्रक कस्टमर्स के पास जाएगा तभी लोडेड होगा मतलब उसके ने सीमेंट होगा ठीक है कस्टमर्स के पास जाएंगे सीमेंट उधर डिलीवर करेंगे आगे तुम लोग बोलो जब वापस आएंगे तो खाली आएंगे ठीक है उन लोगों से सीमेंट लेकर नहीं आएंगे इट इज नॉट लाइक योर प्रीवियस टू और थ्री इट इज नॉट अ सम ऑन पैसेंजर ओके इट इज अ सम ऑन ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग गुड्स ओके तो जब जा रहा है तभी भरा हुआ होगा जब आ रहा है तभी खाली होएगा। आगे जनरल डेटा मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स फॉर द प्रीवियस फाइव इयर्स रिवील ये प्रीवियस फाइव इयर्स का डेटा है ईयर वन टू तो, थ्री फोर फाइव माइलेज ऑफ व्हीकल्स मतलब कितना माइल्स ट्रैवल किया ठीक है चाहो तो यहां पे लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन माइल्स अगर लिखने का मन है तो यहां पे लिख देना दीज आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन माइल्स ठीक है फॉर द प्रीवियस फाइव ईयर्स ये पिछले पांच साल का डेटा है तो जब वन लैख सेवेंटी थाउजेंड माइल्स ट्रेवल किया था मेंटेनेंस कॉस्ट इतना था वन लैख एटी थाउजेंड जब था तो इतना था ये इतना था ये इतना था ये इतना था ठीक है आगे ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट व्हीकल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ जर्नी ईच डे इन ट्रिप्स चलो ठीक है एवरेज टन कैरी टू कस्टमर्स चलो ठीक है एवरेज डिस्टेंस टू कस्टमर्स दिस इज एवरेज डिस्टेंस टू कस्टमर एक साइड मेरे को बोलो ये वाला कॉलम मेरे को क्या बताता है एवरेज टनेज एज कैरीड एवरेज टन मतलब कितना वेट कैरी कर रहे हैं आप उन लोग ठीक है और ये वाला डेटा मेरे को क्या बताता है कि कस्टमर कितना दूर है और ये वाला डेटा मेरे को क्या बताता है कि दिन के कितने ट्रिप्स होते हैं ठीक है थेके? आगे चल पाते हैं देर आर फाइव वेहीकल्स ऑपरेटिंग फाइव डे अ वीक फॉर फिफ्टी वीक इन अयर ये जो है ना देरा आर फाइव वेहीकल्स उन लोगों ने मेरे को बताया उनको एक बार बोलो थैंक यू तो शाम को एक बार बोलो कि थैंक यू शाम को बोलो ना यार थैंक यू एक बार थांक यू, थांक यू। हाँ अगर नहीं भी बताते तो भी ऊपर बताया ना बेटा ऊपर बताया ना यार देर आर फाइव वेहीकल्स तो फालतू चीजें तो कीप ऑन राइटिंग ऑपरेटिंग फाइव डे अ वीक कभी भी कोई नंबर वर्ड्स के अंदर लिखा हो ना तुमको तो एग्जाम के अंदर दिखाई देना बंद हो जाता है उसको सर्कल मार लिया करो मैंने पहले भी बोला हुआ है ऑपरेटिंग फाइव डे वीक फॉर वीक्स इन ठीक है इन्फ्लेशन कैन बी इग्नोर स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा इंक्लूड ड्राइवर्स वेजेस आर 150 फिफ्टी ईच पर वीक ईच इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली अगर फाइव वेहीकल्स हैं आगे बोलो तो फाइव ड्राइवर्स तो भी होंगे ठीक है सुपरवाइजर या रिलीव ड्राइवर्स वेजेस इज 200 पर वीक ये वाला जो बंदा है ना ही प्लस रिलीव ड्राइवर रिलीव ड्राइवर मतलब अगर कोई एक मेन ड्राइवर वो एबसेंट है तो ये ड्राइवर का भी काम कर ही लेगा ऑब्वियसली सुपरवाइजर या रिलीव ड्राइवर तो एक ही होएगा ठीक है आगे डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विद नो रेज वैल्यू लोडिंग इक्विपमेंट लोडिंग इक्विपमेंट मतलब जिससे शायद सीमेंट ट्रक के अंदर लोड करते होंगे कॉस्ट इज वन लाख लाइफ इज फाइव इज वही ईच ये उन लोगों को लिखना पड़ेगा बिकॉज देर आर फाइव वहीकल्स ठीक है आगे पेट्रोल कॉस्ट इज थर्टी पैसे पर माइल रिपेयर कॉस्ट इज सेवन एंड हाफ पैसे पर माइल व्हीकल लाइसेंस कॉस्टेस फोर हंड्रेड पर एनम फॉर ईच व्हीकल इंश्योरेंस कॉस्स सिक्स हंड्रेड पर एनम फॉर ईच व्हीकल टायर्स कॉस्ट थ्री थाउजेंड पर एनम इन टोटल मिसेलेनियस कॉस्ट आर टू टू फाइव जीरो पर एनम इन टोटल यू आर इक्वायर टू कैलकुलेट अटैंडर्ड रेट ये लास्ट लाइन जरा पड़ो यू आर इक्वाइड टू कैलकुलेट अटैंडर्ड रेट पर टन माइल ऑफ ऑपरेटिंग द वहीकल्स तो वो लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो ठीक है क्योंकि यहां पर ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया हुआ और अगर तुमको एक चीज में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं मेरा जो बिजनेस है इट इज मेरे को बोलो हमारा बिजनेस क्या है वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी मेक सीमेंट बस एक बार सीमेंट बन जाता है ना हम लोग कस्टमर लोगों को डिलीवर करके वापिस आ जाता है अभी वी आर नॉट लाइक वी आर नॉट लाइक स्विगी और समथिंग अपना धंधा ही है ऑफ डिलीवरी नो 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 ओके दिस इज जस्ट अड ऑन सर्विस दैट यू वाल प्रोवाइड वी विल डिलीवर द सीमेंट तो यहाँ पे ना प्रॉफिट वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं आता तुमको समझा जो मैं बोला जिंग द कस्टमर फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग टू डिलीवर तो अपने को अपनी जानकारी के लिए चाहिए कि भाई अपना कितना होता है पर टन माइल तो चलो ठीक है यहां पर ना नाइंटी परसेंट ऑफ ऑल कॉस्ट आर गिवेन टू यू फॉर वन ईयर तो बाद में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ना एक साल के लिए बनाएंगे वैसे भी देखो समण वो लिखा हुआ है देर आर फिफ्टी वीक्स इन अयर तो मेरे को एक साल के लिए ही कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा यार ठीक है तो तुम लोग मेरे लिए एक काम जरा करो ठीक है मैं तुमको उसके लिए छह मिनट दूंगा लेकिन सिर्फ कैलसी के ऊपर देखो तुमको कभी ना कभी पेट्रोल कॉस्ट या डीजल कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा तो तुम लोग को यहां पर जरूरत पड़ेगा और डिस्टेंस का एक वो चीज का जरूरत पड़ेगा और तुमको लास्ट के अंदर क्या चाहिए यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट पर टन माइल तो तुमको नंबर ऑफ टन माइल्स भी तो निकालना पड़ेगा जैसे पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे अभी नंबर ऑफ टन माइल्स निकाल देंगे ठीक है तो तुम लोग मेरे लिए दो काम जरा करना तुम लोग लिखो जरा प्लीज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइल्स पर एनम यहां पे एक किलोमीटर्स नहीं है माइल्स है व्हीकल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव पांचों व्हीकल्स का टोटल मार देंगे इधर आगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टन माइल्स पर आनम यहां पर भी व्हीकल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ये फिलअप मेरे ख्याल से मत करना लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू सम हिंट कि हम लोग बाद में कैसे काम करेंगे तुम लोग मेरे को एक साल के लिए ये दोनों आंसर निकाल के दो ठीक है एक साल के लिए ये दोनों आंसर निकाल के दो जो भी तुमको चाहिए जो भी तुमको चाहिए वो इधर ही है जो भी तुमको चाहिए वो इधर ही है और किधर तुमको कुछ देखने देखने का ही नहीं है ठीक है तुमको बस इसी से आंसर निकालने का है ठीक है कैलसी लो आराम से ये वाला डेटा जो चलो मैं तुमको लाइन बाय लाइन माइक मार्क कर देता हूं तुमको सिर्फ यही वाला डेटा देखने का है आंसर मैसेज करना और दोनों का आंसर वो मैसेज करना दोनों का आंसर दोनों के लिए सिर्फ यही डेटा हाँ हा, तो दोनों के लिए सिर्फ यही डेटा चाहिए दोनों के लिए साक्षी दोनों करेक्ट है बेटा तने एक गलत है कौन सा वाला वो मैं नहीं बोलूंगा सृष्टि एक रॉन्ग है एक करेक्ट है कौन सा वाला वो मैं नहीं बोलूंगा चिराग फर्स्ट दोनों बोलो फिर बोलता हूं सानियम गलत है फर्स्ट वाला उज्जवल करेक्ट है आगोश दोनों गलत है आयुष गलत है सुनील गलत है फाइव डेज अ वीक तुम लोग नहीं पढ़ते हो अच्छे तरीके से फाइव डेज अ वीक सर्कल मारा करो नहीं दिखाई दे रहा तो हिमांशु एक गलत है दोनों में से विजित दोनों करेक्ट आने का भी टाइम लेना सर वो अभी आप सोचो विजित दोनों करेक्ट है महक दोनों गलत है चलो मैं अभी वन मिनट वो रह जाएगा आई स्टॉप आई थिंक मैंने एक्सेस टाइम वो दे दिया था स्टार्ट कर लेते हैं सुनो सबसे पहले नंबर ऑफ माइल्स के लिए नंबर ऑफ माइल्स के लिए तो मेरे को ये डेटा भी नहीं चाहिए यार ठीक है नंबर ऑफ माइल्स के लिए तो ये डेटा भी नहीं चाहिए करंट सेकंड गलत है फर्स्ट फर्स्ट रॉन्ग है चलो तो टेन माइल्स जाएगा तो टेन माइल्स आएगा भी तो सही ये हो गया एक बारी का जाना आना ऐसा दिन में कितनी बार होता है छह बार ऐसा हफ्ते में कितनी बार होगा फाइव डेज ऐसा साल में कितनी बार होगा फिफ्टी वीक्स सो so, ट्वेंटी ये आ जाता है थर्टी थाउजेंड माइल्स बाकी तुम लोग दो मिनट के बाद कंप्यूट कर लेना ठीक है अभी मत करो सुनो 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 पहले वो दूसरा वाला भी वो सीख लो उसके बाद करना देखो मैं ऑनेस्टली कितने भी मेथड से आई कैन ट्राई टू टीच यू द सेम थिंग अभी के लिए वही वाले दो मेथड्स देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ 10 माइल्स जब ही जा रहा है तभी 10 माइल्स एक मिनट के लिए वो कैन वेट जब ही जा रहा है तभी 10 माइल्स ट्रैवल कर रहा है तभी कितना वेट लेके जा रहा है 4 इंटू फोर ये हो गया एक बारी का इधर से इधर जाना टन माइल्स प्लीज मेरे को बोलो इतना समझा लेकिन वापस आते वक्त आगे कुछ बोलो खाली है वो सो दे फोर इट इज एम टी सो इट विल बी टेन माइल्स इंटू जीरो टन बॉस तो फिर वो तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा बात खत्म हो गई ये हो गया एक बारी का जाना आना क्योंकि आते वक्त तो कुछ काउंट ही नहीं होगा इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फिफ्टी ठीक है आप लोग ऐसे कर लो वरना अगर मैं तुम्हारे बदले में होता तो मैं ऐसे सोचता सर थर्टी थाउजेंड तो ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है तो चलो ठीक है लेकिन थर्टी थाउजेंड इज योर टोटल डिस्टेंस जाना आना अभी आगे कुछ बोलो डिवाइड बाय टू लेकिन उसके अंदर से आधे किलोमीटर तो खाली है ना बेटा सो डिवाइडेड बाई टू पंद्रह हजार किलोमीटर ये ऐसे थे जब कितना टन कैरी हो रहा था फोर टन तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड टन माइल्स तुमको जैसे कंप्यूट करना है वो कर लेना फॉर द अदर फोर केसेस ओके यू हैव अंडरस्टूड दीज पर्टिकुलर टू मेथड्स ठीक है तो तुम लोग ये कॉपी कर लो उसके बाद आई शो यू द सम देन यू ऑल कैन डू फॉर ऑल अदर व्हीकल्स जिसका आंसर फर्स्ट वाला एटी फाइव थाउजेंड आया तो ऑब्वियसली नाउ यू ऑल नो योर मिस्टेक जिसका आंसर सेकेंड वाला एट फोर्टी थाउजेंड आया आई थिंक यू ऑल नो योर मिस्टेक ये कॉपी कर लो देन आई शो यू ऑल द क्वेश्चन आई एम शोइंग द क्वेश्चन नाउ हम्म वो शो ठीक है बेटा एक मिनट और दे रहा हूं प्लीज खत्म करो ध्रुव वन लाख सेवेंटी थाउजेंड आता बेटा सिक्स ट्रिप्स हर एक के लिए वो स्टैंडर्ड नहीं है बेटा यहां पे फोर टू टू वन है हर एक के लिए अलग अलग है वो वेंटी फोर लाख ट्वेंटी हो गया क्या न प्रोसीड प्लीज yes. चलो सुनो मैं आज के लिए ना एक आखिरी काम ही कर रहा हूं ठीक है बाकी जो सम है ना वो हम लोग कल खत्म कर पाएंगे लेकिन ये वाला जो पार्ट है नहीं, मैं को आज करना है देखो उन लोगों ने ना इधर तुमको सारे के सारे कॉज दिए और बहुत सारे कॉज दिए यार लेकिन उसके अलावा उन लोगों ने एक और कॉस्ट तुम लोगों को इधर ही दे दिया कॉस्ट जरा सोचो ना अगर पिछले पांच साल के अंदर कॉस्ट लगता था तो इस साल भी तो लगेगा लेकिन जब मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट देखा तब ध्यान से सुनना मेरी बात ठीक है मेरे को जरा बोलो मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन अगेंस्ट विच कॉलम ये वाला कॉलम का नाम जरा बोलो यहां पे क्या लिखा हुआ है माइलेज ऑफल तो तुमको इतना समझ में आएगा मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन माइल्स तुम्हारा कितना माइल्स आया इस साल का तुम्हारा इस साल का माइल्स कितना आया जो तुम लोगों ने कंप्यूट किया वन लैख like 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 क्या यहां पर कोई एक फिगर वन लैख सेवेंटी थाउजेंड है yes, जो पहला वाला तो तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट का काम खत्म हो गया दैट इज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू ऑल अंडरस्टूड दिस ठीक है मतलब इफ मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन अगेंस्ट माइल्स ऑफ व्हीकल्स माइलेज ऑफ व्हीकल्स मतलब माइलेज के हिसाब से मतलब डिस्टेंस के हिसाब से ये वाला कॉस्ट लगता है लक बाय चांस यहां पे वन लाख सेवेंटी थाउजेंड था ये वाला फिगर तो तुम लोग बच गया लेकिन अब जरा सोचो अगर यहां पर वन लाख सेवेंटी थाउजेंड वाला फिगर नहीं होता सपोज मैं यहां पे ये वाला साल का डेटा निकाल देता हूं आई कैन ट्राई टू बी राइटिंग से मेंटेनेंस रिकॉर्ड फॉर द प्रीवियस फोर ईयर्स रिव्यू ठीक है तो फिर जरा देखो अभी वन लाख सेवेंटी थाउजेंड का तो डेटा ही नहीं है ओके तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ये, ये। तो फिर तुम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट तो फिर कैसे निकालते तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्रॉस मल्टीप्लाई चीजें तब होती हैं व्हेन थिंग्स आर वेरिएबल मैं सोच रहा था यार इज मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल के सेमी वेरिएबल मैं सोच रहा था आईसीए ने कुछ भी बोला हो लेकिन मैं टेस्ट भी तो कर सकता हूं तुम लोग क्या करो पांच के अंदर से तुम लोग पांचों भी ले ही सकते हो ठीक है लेकिन चलो टेस्टिंग के लिए क्या करो अगर मेंटेनेंस कॉस्ट अपना फर्स्ट चैप्टर भी याद करना अगर कोई कॉस्ट पूरा वेरिएबल होता है तो वो पर यूनिट तो सेम रहना चाहिए तुमको समझा जो मैं बोला तो एक काम जरा करो कोई भी सपोज ये तेरह हजार पांच सौ लो और उसको हजार पांच सो डिड बाई वन लाख सेवेंटी मारो वो जो भी आए उसको रट्टा मार लो और फिर नेक्स्ट वाले के लिए भी वही करो वन लैख फोर्टी अपॉन वन लैख एट्टी मेरे को बोलो क्या दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम आए क्या नहीं ना नहीं ना तुम लोग ट्राई कर सकते हो किसी का भी दिस अपॉन दिस भी मारोगे तो भी सेम नहीं आ मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली अ वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि अगर कंप्लीटली वेरिएबल होता तो पर किलोमीटर आंसर या फिर पर माइल आंसर अपना सेम आता कोई बोलता है सर फिक्स्ड होएगा सर ओके बेटा अगर फिक्स्ड कॉस्ट होता तो ये पांच के पांच नंबर सेम होने चाहिए थे yes, तुमको समझा सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड नॉट कंप्लीटली वेरिएबल जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा हूं मेरे को बोलना कि यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के अंदर कोई पंगा नहीं है मेंटेनेंस कॉस्ट पांच सौ रहेगा तुमको समझा क्यों क्योंकि लक बाय चांस भगवान अपने अंदर आ गया और ये वाला वाला फिगर जो अपना माइल्स आया वो इस क्वेश्चन के अंदर है ओके तो आंसर तेरह हजार पांच सौ ही आने वाला है ठीक है लेकिन मैं बस वही फिगर आउट कर रहा हूं कि अगर वन लाख सेवेंटी थाउजेंड नहीं होता ठीक है अगर ये वाला नंबर ही नहीं होता तो भी हम लोग आंसर तो निकाल लेते मैं तुमको वही बताने जा रहा हूं कैसे एक मिनट डिड यू ऑल रियलाइज बाई माई टू डिस्कशन दैट दिस कॉस्ट इज नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस दिसको बोलो वाई हेल इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट हर साल का अलग अलग है वाई इट इज नॉट कम्प्लीटली वेरिएबल कॉस्ट पर माइल सबका अलग अलग आता है लग तो so, फिर क्या होएगा? सम पार्ट विल बी फिक्स सम पार्ट विल बी वेरिएबल इज दिस अंडरस्टूड तो तुम लोगों को एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन याद है

ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन माइल्स कर लेंगे तो मानसी तो वो करेक्ट है तो यू ऑल अंडरस्टूड दिस अच्छा अब मेरे को बोलो मैं ना फर्स्ट वाला ईयर का डेटा वो नहीं ले रहा हूं आई कैन टेक दैट टेको आंसर वही आने वाला है लेकिन बाकी चार के अंदर से कोई भी दो केसेस ले लो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा बस मेरे को अपनी पसंद बोल दो मेरे को बोलो ईयर टू थ्री फोर फाइव के अंदर से कौन से दो दो साल ले लू टू और थ्री ले लेता तो, हूं चलो ठीक है खत्म 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 लिखो तुम लोग वर्किंग नोट नंबर थ्री या फिर यू ऑल कैन राइट डाउन डायरेक्टली तो मेंटेनेंस कॉस्ट दैट्स ओके चलेगा आप लोग उसको वन टू एंड थ्री यू ऑल कैन वो राइट डाउन इफ यू ऑल आर राइटिंग द नंबर्स लिखो थर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आ, यहां पे ना एक लाइन जरा लिख के रखो महेश वो गलत है शायद लिखो एज मेंटेनेंस कॉस्ट इज डिफरेंट एवरी ईयर इट इज नॉट फिक्स्ड full shop as variable cost per mile is not same comma it is not variable sir can you repeat as uh, variable cost per mile is not same comma it is not variable full stop therefore Therefore, some part is fixed, some part is variable. Ye Right on. Variable cost per mile is equal to change in total cost upon change in miles. टोटल थर्ड ईयर का डेटा ले रहा हूं बेटा से तो सेकेंड ईयर थाउजेंड था थर्ड ईयर के अंदर थर्टीन टू फिफ्टी हो गया ना हा और ये क्यों हुआ क्योंकि नंबर ऑफ माइल फेल डाउन फ्रॉम तो सेवन फिफ्टी अपॉन पंद्रह हजार 0.05 जीरो फाइव पर माइल ये 0.05 पर माइल किसी भी डेटा के अंदर डाल देना तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा चलो फर्स्ट वाले डेटा के अंदर ही डाल देता हूं तो 14,000 वाज़ अ टोटल कॉस्ट इन दैट ईयर उस साल के अंदर कितना माइल्स ट्रेवल हुआ था बेटा वन लाख एट्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है सुनो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना दैट वी ऑल हैव डन एज सच ओके कल अभी ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से जल्दी से खत्म हो ही जाएगा ओके विद दैट आई थिंक आज का जो लेक्चर है तो वो खत्म करते हैं वी विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टूमोरो